नमस्कार, और दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भाजपा की कमियां नहीं, राहुल को ढूंढे कांग्रेस, अमित शाह ने कहा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मोदी सरकार पर हमले करने के लिए ऐसे मुद्दे ढूंढ रहा है जो है ही नहीं। अगर उसे कुछ ढूंढना ही है तो अपने नेता को ढूंढे। शाह ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार ने आते ही कार्य संस्कृति बदल डाली, अब पॉलिसी पैरालिसिस खत्म हो गया है। शाह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के बारे में विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ मार्च करेंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की तरफ से जमीन अधिग्रहण विधेयक के विरोध में 22 अप्रैल को प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार केजरीवाल पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ 22 अप्रैल को जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च करेंगे। केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली में सरकार बनने के बाद पार्टी की तरफ से यह पहला विरोध प्रदर्शन होगा। गोवा के मंत्री को भारी पड़ा थप्पड़, देना पड़ा इस्तीफा। एक सरकारी कर्मचारी को पीटने के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि बरकरार रखने के बाद गोवा के ग्रामीण विकास मंत्री फ्रांसिस्को मिकी पचेको ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए कहा कि वे भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को और शर्मिंदा नहीं करना चाहते। मुंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने जुलाई 2006 में काम पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारने के लिए 17 जुलाई 2014 को पचेको को दोषी करार दिया था। इस आदेश पर रोक लगाने के लिए पचेको ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। आदेश के तहत पचेको को 6 महीने जेल में गुजारने होंगे। इमरजेंसी लैंडिंग करते वक्त कार से टकराया विमान। अमेरिकी शहर मिनोस्टा में एक छोटा विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पास में खड़ी कार से टकरा गया। यह छोटा प्लेन मिनोस्टा के रहने वाले डेविड गोवन चला रहे थे। वे दक्षिणी दकोदा से पैसेंजर को लेकर मिनोस्टा आ रहे थे। दकोदा से उड़ान भरने के बाद उन्होंने अगले स्टेशन पर फ्यूल भरवाया और मिनोस्टा की ओर उड़ान भरने लगे। उड़ान भरते वक्त जब प्लेन लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो प्लेन के इंजन में कोई खराबी आ गई, जिसकी वजह से पायलट ने प्लेन को मिनोस्टा हाईवे 10 में इमरजेंसी लैंडिंग करने का निर्णय लिया। हालांकि प्लेन में ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है और उसमें बैठे पायलट व पैसेंजर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत ओलंपिक के लिए कर सकता है दावेदारी। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय ओलंपिक इकाई ने देश में खेल के विकास और ओलंपिक 2024 की संभावित दावेदारी पर चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख थॉमस बॉक को इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया है। वैकल्पिक तौर पर बैठक के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की गई है। IOC अध्यक्ष बनने के बाद बॉक की यह पहली भारत यात्रा होगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।